कि जितना भी सामान आप देख रहे हो घर पे ही बनाया पूरे का पूरा, और हमारे डैडी जी बैठे हैं दस्तरखान पे। ये हमारे डैडी करेले का जूस पी रहे हैं। ये पानी हाय 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 हाय, क्या बात है। हमारे खालिक को चैलेंज कर रहे हैं ये बोल के कि अल्लाह ताला वो क्यों नहीं करता जो हमें पसंद है, हम तो अल्लाह ताला के लिए सब कुछ कर रहे हैं। भाई हम किसको चैलेंज कर रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है कि हम अल्लाह ताला से सवाल भी करें। सहरी का वक्त निकल रहा है क्योंकि सहरी कर रहे हैं हम। मम्मा आज क्या है खाने में? मेरा खाना नहीं आया अभी तक, हरमन का आया। ये हरमन का खाना है, हरमन गायब है, मैं पहले आ गया टेबल पर और मेरी प्लेट खाली है। देखो मम्मा को हमसे प्यार ही नहीं है। अरे अरे आ गए सेठ जी। और सेठ जी खाना है आपका भाई? ये लो जी आ गई हमारी रोटी फाइनली। ये कुछ पालक विलक डाला है मम्मा ने, तो खाते हैं गैस। खाने के बाद नमाज पढ़ेंगे, सो जाएंगे, फिर दोबारा उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। 5 hours later। कल मैंने वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भूख लग रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रोजा लग रहा है ऐसा बोलना चाहिए। तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था, बट अभी हम ऐसे ही बोलेंगे रोजा लग रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत रोजा लग रहा है। बहुत शदीद भूख लग रही है। वे 11 बजे से उठे हुए हैं, मजेदार सीन हुआ पड़ा पेट का। एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे दाढ़ी नहीं काटनी है, मुझे बाल नहीं काटने हैं, ये तो मैंने खुद ही बताया था आप सबको वो वीडियो में ज़ुल्हिज्जा की, अगर आपने देखी होगी तो। तो ऑब्वियसली आई नो दैट आप सबके मैसेजेस आ रहे थे, मैं समझ सकता हूँ, आप सब लोग मेरा अच्छा ही चाहते हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अभी शूट करते हैं, उस्मान कुरलोस उस्मान देखते हैं, शूट करने के बाद मिलेंगे आपको, रोज़ा खोलेंगे, और उसके साथ साथ आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुफ्तगू करनी है। तो चलिए, सूरत मौसम हो रखा है, देखिए हाय 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 बारिश ही बारिश हो रही है भाई, अलग लेवल सीन हो रखा है इधर, तो ज़बरदस्त सीन है। ये आपको कैमरा में नहीं दिखेगा बट जो मौसम हुआ हुआ है ना, बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है, बहुत प्यारा, अलग लेवल का भाई। आज इफ्तारी का पूरा माहौल सजा हुआ है, गोलगप्पे, सेवइयां, उसके बाद मट्ठियाँ, आज दही बल्ला बनने की तैयारी है। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है बट कुछ कर नहीं सकते, रोज़ा लग रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये है वड़े और ये है आलू। ओ भाई साहब अलग अलग लेवल सीन होने वाला है आज तो। और ये है दही। तो गाइस पूरा दस्तरखान सज चुका है, प्लेटें देखिए, हर प्लेट में बहुत कुछ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है वो ग्रीन कलर की पापड़ी जो कल हम लेके आए थे, और ये है गोलगप्पे, मट्ठी और सेवइयां, अनारदाना। आप सोचो इतना खाना देख के जब बंदा सुबह से भूखा हो तो कैसे रुक सकता है, बहुत मुश्किल है। और ये है दही, ये है आलू जो हम पानी पूरी के साथ खाएंगे, और ये पानी पूरी का पानी, ये हरी चटनी, हरी चटनी ये है, ये लाल चटनी, मीठी चटनी, अनार, क्या चाहिए लाइफ में, रोजा खोलने के लिए खजूर, गिलास, एवरीथिंग इज देयर। और हमारे डैडी जी बैठे हैं दस्तरखान पे। ये हमारे डैडी करेले का जूस पी रहे हैं, डैडी हमारे करेले का जूस पीते हैं। ये पानी हेलो जी डैडी करेले के जूस में। ओ भाई कैसा है? कौड़ा है, बिटर। गाइस ये जितना भी सामान आप देख रहे हो घर पे ही बनाया पूरे का पूरा, सिर्फ ये बाहर से लेके आए हैं, ये और ये मट्ठियाँ, बाकी तो सब घर पे ही बनाया मम्मा ने पूरा, देखिए दस्तरखान। सो गाइस फोटो शूट करने के लिए ये सारा सामान पूरा सेट किया जा रहा है, डैडी का फोटो शूट करना है, थंबनेल बनाना है ना, इसीलिए अभी तक हमारा रोजे का टाइम नहीं हुआ है। अभी टाइम देखिए इधर 5 मिनट 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट और बाकी हैं, तब तक के लिए हम थंबनेल बना लेते हैं, है ना। तो गाइस 4 मिनट बाकी हैं,
बट अभी वेट नहीं हुआ जा रहा, बट इंशाल्लाह वेट तो करना ही है हमें। देखो हमारे डैडी तो मस्त, डैडी तो रुक ही नहीं रहे भाई, रुक ही नहीं रहे, डैडी तो अभी जाएंगे बाहर। ये देखो ये अपने अपने भाई सब बना रहे हैं अपनी अपनी प्लेटें के, हमारे 4, हमारे 10, हमारे 5। ओ भाई मेरे को ज्यादा चाहिए, सुबह से भूखा है मैं, मेरे को ज्यादा चाहिए मम्मा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए माशाल्लाह तबारकल्ला, देखो मम्मा बूंदी चाहिए है मैनू इहदे च। ओए होए 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 होए, ये साडे दोनों दा है, हम दोनों का है, नहीं मेरा अकेले का है। ओके दिस इज माइन। चलो जी, हाय 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 क्या बात है भाई, दही डुल डुलदा जा रहा है। मम्मा रुको हले पाना नहीं पा दो, कोई गल नहीं। हेलो जी, पूरा मम्मा ने दही से भर दिया है, पूरा इसको दही में डुबा दिया है एकदम बढ़िया तरीके से भाई साहब। ओए इधर भी दही डुल रहे। चलिए जी अभी खा के दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ खा के दिखाओ। चलो ये मट्ठी लेंगे, मट्ठी मट्ठी दही वाली। ओए होए होए जल्दी खा यार, टाइम लगा रहे इतना। स्वाद है, मजेदार। ये है वड़ा जो मम्मा बता रहे थे ना, वड़ा ये वो वाला वड़ा है, अनार। और वड़े के साथ थोड़ा सा लेंगे हम मट्ठी और बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मम्मा ये चटनी तो रहेगी अम्मा, ताई मैं कहूँ होए होए होए, कौन बना के देगा ऐसी बाहर खा खा के। लो जी हमने भैया रखा है पानी पूरी वाला, भैया जी दिखाइए, दीजिए हमें, हमें दीजिए, हम ये लो। हेलो जी पानी पूरी आ गई। कैसी है? नाइस। ये देखो डिजाइन, अब आएगा इसमें स्वाद। हाय 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो डालना ही भूल गया मैं। चलो जी अभी हम खा के ना फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. So guys ये देखिए ये है हमारा हाल, पूरा फिनिश कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी बचा है। हरमन ने तो अपना फ्रिज में रख दिया, पूरा खाया भी नहीं गया उससे। मम्मा का भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड मंजोत का भी हो गया है। तो चलिए जी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बाय बाय। देखिए भाई डैडी बाहर जाके आए हैं, पूरा भीग के आ गए, बाहर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। ये देखो माथे पे भी कितना, अरे भाई साहब भाई पूरी पग गिल्ली होगी, फुल गिल्ले हो गए डैडी हमारे। दस है बीमार हो जाएंगे तुम, फुल गिल्ले होके डैडी यार। आप देखना कि बहुत सुनोगे कि लोग कहते हैं मैं तो बहुत नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, मैं अपनी नज़रों की हिफाजत करता हूँ, और मैं हर एक वो काम करता हूँ जो अल्लाह को पसंद है, बट फिर भी अल्लाह ताला मेरी बात नहीं सुनता है। ये चीज़ हमने देखना, आप अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बात बोलते हैं। हम ना दीन से बहुत दूर हैं, हम ना 5 या 6 फुट के इंसान हैं, और हम किसको चैलेंज कर रहे हैं देखो, मतलब हम उस शख्सियत को चैलेंज कर रहे हैं, उस हमारे खालिक को चैलेंज कर रहे हैं, ये बोल के कि अल्लाह ताला वो क्यों नहीं करता जो हमें पसंद है, हम तो अल्लाह ताला के लिए सब कुछ कर रहे हैं। भाई हम किसको चैलेंज कर रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है कि हम अल्लाह ताला से सवाल भी करें। अल्लाह ताला हमें एवरी सिंगल डे ये सांस लेने की इजाज़त जो देता है ना, यही बहुत बड़ी बात है इंसान के लिए अगर समझ जाए तो। कितनी ज़्यादा नाफरमानियाँ करते हैं हम अल्लाह की, एंड अल्लाह ताला तो वो ज़ात है जो जिस चीज़ का इरादा कर ले कुन फाया कुन, मतलब ये चीज़ इंसान को समझनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे और आपके दिल में ईमान नहीं है,
अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे दिल में ईमान है तो आप गलत सोच रहे हो। हमारे दिल में ना अकीदा है, अकीदा जो कुछ लोगों को अपने वालिदैन से मिला है, कुछ लोगों ने पढ़ा है, मेरे जैसे लोगों ने सुना है, समझा है, तब जाके इस्लाम लाया है। बट वो जो ईमान है ना, ईमान की दौलत, उससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। मैं ये सबकी बात कर रहा हूँ, मेरी भी कर रहा हूँ, आप सबकी भी कर रहा हूँ। ये बुरा मत मानिएगा इस चीज़ के बारे में, बट ये बहुत एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम ईमान से बहुत दूर हैं अभी तक। ये तो हमारे अकीदा है जो माँ बाप से मिला है, जो बचपन से जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, वो अपना एक बार अपने गिरेबान में झांकिए और एक बार खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में यकीन है कि मुझे कोई पूछने वाला होगा, मेरा हिसाब लेने वाला होगा जो मैं इस दुनिया में कर रहा हूँ, इस ज़िंदगी में कर रहा हूँ? क्या मुझे सच में यकीन है कि जो आखिरत की ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है? और अगर आपको यकीन है कि वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, तो आप इस ज़िंदगी में क्या कर रहे हो वो ज़िंदगी पाने के लिए? आप अपने गिरेबान में झांको एक बार और ख़ुद से पूछो कि क्या आप सही चीज़ कर रहे हो? क्या आप डे टू डे लाइफ में अल्लाह ताला के जो अहकामात के मुताबिक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला ना आपसे सवाल करेगा कि जब तुम्हें अंग्रेज़ी आती थी, जब तुम्हें हिंदी आती थी, जब तुम्हें उर्दू आती थी, तो तुम्हारा सलूक क्या था मेरी किताब के साथ, मेरे कुरान के साथ? क्या तुमने उसको पढ़ा? उसके साथ क्या किया तुमने कुरान के साथ? आजकल लोग क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम पंजाबी हैं, हिंदी है, तेलुगु है, मराठी है, उर्दू है, या जो भी मातृभाषा है आपकी, उस हिसाब से क्या आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश भी करते हो? नहीं करते हो, ना ही मैं करता हूँ, ना ही आप करते हो। हमारे दिल में ईमान कहाँ है बताओ? अगर हमारे दिल में ईमान होता ना, तो हम सारे कुरान के साथ वो सलूक नहीं करते। मैंने भी कुरान वहाँ पे लगा के रखी है, मैंने एक बार पढ़ी भी नहीं है, पता है। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, मैं खुद को भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये मैं खुद को भी रिमाइंडर दे रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि हम अल्लाह की किताब के साथ क्या कर रहे हैं। वो असली चीज़ है जो हमें पढ़नी है, जो हमें समझनी है, जिसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, सो दैट हमें आखिरत में ना ख़त्म होने वाली जन्नत मिलेगी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों पे ताने कसते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, गालियाँ बकते हैं, एंड उसके बाद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दीन इस्लाम के ऊपर चलते नहीं हैं, लोगों के रिलीजन पे बोलते हैं, अपने रिलीजन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कहाँ जा रही है उम्मत? ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए ये चीज़। तो जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ ना, वो मेरे लिए खुद के लिए भी होता है। मैं खुद को भी बताता हूँ कि मैं कैसा हूँ, ऐसा क्यों हूँ मैं, क्यों मैं सही से नहीं चल रहा। तो हम सारे मिलके हमें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना ज़रूरी है। बहुत ईजी है दीन, बहुत ईजी है, बट चलना है हमें। तो आई होप आपको आज का वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने ज़रूर मिला है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करो और उसको स्टडी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जज़ाकअल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।